आज दोपहर बिजनौर के बक्शीवाला में एक घर में बन रहे पटाखों में लगी आग से 5 लोगों की मौत की खबर हमने आपको दिखाई थी। खबर मिलते ही एसपी और डीएम मौके पर पहुंचे और वहां पर बनाए जा रहे पटाखों के लाइसेंस की छानबीन करवाई। विभाग से पता चला कि यह पटाखा बनाने का काम लाइसेंस के साथ चल रहा था जो 2025 तक वैध था। अब पटाखों में आग कैसे लगी इस बात की जांच की जा रही है। जो लोग मौके पर पटाखे बना रहे थे उनमें से समरपाल पुत्र बुद्धन निवासी बुखारा, प्रदीप पुत्र राम अवतार, ब्रजपाल पुत्र सुखलाल, कुमार शानू पुत्र ऋषिपाल और वेदपाल पुत्र बुद्धन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग किसी तरह से बाहर निकल आए। पूरे प्रकरण के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर धारा 336/304 और धारा 9(13) विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चार भाग गए, 5 रिन्यूअल कब तक है? रिन्यूअल कब तक है? तब से आए हिस्ट्री में चाहिए, अगर रिन्यूड है तो वो कब तक है? ये आज कपड़े लेने जाता हूँ। चमरपाल कौन है? चमरपाल समरपाल कौन है? समरपाल अभी यहीं खड़ा था। बुलाओ जरा, बुलाओ समरपाल का। ये समरपाल कौन है? समरपाल समरपाल अभी यहीं खड़ा था भैया। पटाखे बनाने का काम पानी रखे हुए, अचानक आग लगी, अंदर भी कमरा है, 4-9 थे अंदर, जिसे चक्रदीप से बात हुआ है समरपाल से, जिसके भाई की भी डेथ हो गई, तो सही बुखारा के जाते ही उनकी ये पार्ट 4 भाग गए, 5 केवल कब तक रिन्यू है? बिजनौर के बक्शीवाला में क्या जानकारी? एक आग लगने की घटना दुर्घटना हुई है यहाँ पर। एक लाइसेंसी जो आतिशबाजी का लाइसेंसी है यूसुफ नजदीक, तो उसका ये शहर के बाहरी इलाके में ये बुखारा का इलाका है, यहाँ पर उसका लाइसेंस है और वैलिड लाइसेंस है, 2025 तक उसका रिन्यूअल है। तो उसके कारीगर वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ आग लगने की घटना हुई है। कोई विस्फोट जैसी बात नहीं है, आग लगने की घटना हुई है। जो ज्वलनशील पदार्थ वहाँ विस्फोटक वो यूज़ करते हैं बनाने में आतिशबाजी, तो उसमें दुर्भाग्य से ये 5 लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। वेदपाल नाम का एक व्यक्ति है, एक चिंटू पुत्र राजा राम है, एक प्रदीप पुत्र राम अवतार है, एक सोनू पुत्र ऋषिपाल और एक ब्रजपाल पुत्र बुधलाल। या कोई और घायल नहीं है, यहाँ पर आग बुझा दी गई है और बाकी किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है इसकी जांच। कुछ घायल भी हैं इसमें, 3-4 लोगों की सूचना है, जो कोई ऐसा सीरियस नहीं है और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था।